तो ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। तो ये कैसा टाइम होता है जिसमें हम एक दूसरे से मिल पाते हैं, जी एक दूसरे से और ज़्यादा क्लोज हो पाते हैं। टूर्नामेंट्स होते हैं जी और बचपन से हम गली में नुक्कड़ में क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। आज भी हम कहीं से निकलते हैं कि क्रिकेट मैच चल रहा होगा तो हम ज़रूर रुक के देख लेंगे एक बार, या अपने फेवरेट बॉलर का एक्शन करेंगे। मतलब ऐसा भागना पड़ता है और बॉल के पीछे, और इतना सारा फैट लॉस होता है, कैलोरीज लॉस होती हैं, बड़ा मज़ा भी आता है खेलने का। तो या वो इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यार ये जैसे अमित भाई कह रहे थे कि ये सबको एक छत के नीचे लाना ना इस टाइम के लिए बड़ा मुश्किल होता है। नमस्कार, एबीपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद और आज हम मौजूद हैं दिल्ली में, एक खास कार्यक्रम में हम शामिल आपको कर रहे हैं। आप सभी को आपको बता दें कि AECL जिसका चौथा सीजन अब आने वाला है और उसके लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मिलिंद गाबा जी हैं, फेमस पंजाबी सिंगर हैं। पहले सबसे पहले आप सभी का एबीपी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाँ मिलिंद जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, चौथा सीज़न आ रहा है AECL का और सेलेब्स एक साथ दिखेंगे इसमें क्रिकेट खेलते हुए, और क्रिकेट की जब बात होती है तो कह सकते हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्रिकेट को पसंद किया जाता है, और कैसे आप देखते हैं इस नए सीज़न को, चौथे सीज़न को? आई थिंक क्रिकेट खेलना जीतना हारना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो जो हफ्ता होगा हमारा जो हर साल होता है, एंड कंग्रेचुलेशंस टू सबसे पहले आशीष माथुर भाई कि ये चौथा सीज़न है, 4 साल बड़ा हो गया है AECL। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि हारना जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो इंडस्ट्री के सारे हम 12 महीने बिजी होते हैं, यू नो, हर एक जैसे अमित जी हैं दिवम से, पवन चावला जी हैं PNM मूवी से, इवन डैडी से मेरे भाई हैं, तो 12 महीने बिजी होते हैं सब, किसी को टाइम नहीं मिलता है। हमें भी शोज़ पे जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, दिन घर होते हैं, शोज़ पे जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, घर आते हैं, सिटी टू सिटी, स्टेज टू स्टेज, हम इधर उधर कूदते रहते हैं, नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, पब्लिक को एंटरटेन करते रहते हैं। बट ये जो हफ्ता होता है ये पूरी इंडस्ट्री को एक छत के नीचे ला के खड़ा कर देता है, एंड वहाँ पर जो इमोशंस हम शेयर करते हैं पूरे साल का, हंसी मजाक करते हैं, हैंग आउट करते हैं, चिल करते हैं, वाइब करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए AECL का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत पावर उनको कि 4 साल तक ये बड़ा हो गया है सीज़न, और मैं चाहता हूँ कि 400 साल बड़ा हो जाए। अमित जी कैसे देखते हैं आप इस नए सीज़न को? हेलो, अमित फ्रॉम देवम होटल। मैं कहना चाहूँगा कि कोविड के बाद 2 साल जब सब घर बैठे तो सबको काम करना, पार्टी करना, खेलना, ये सब हमारी लाइफ से 2 साल तक काफ़ी गायब हो गया था, तो जो AECL से रीबॉर्न हो गया, अब हमें स्पोर्ट्स के लिए भी एक्सपेक्ट अब प्रैक्टिस करनी, रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी पार्टी की भी तैयारी कर रहे हैं इवेंट की, तो इस सारी से काफ़ी अच्छा हमें एक वो मोटिवेशन मिल रही है। कोविड के बाद एक नई एनर्जी के साथ ये सीरीज़ आ रही है, तो हम बहुत इन्जॉय करेंगे सब लोग, और सब साथी एक साथ, इतने सारे लोग एक साथ मिलने थोड़े टफ हैं, इतनी सारी पूरी जी, इतनी बड़ी इवेंट कंपनीज हैं, इतने सारे आर्टिस्ट हैं, सब एक छत के नीचे आके मैच खेल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मतलब इसका तो कोई तोड़ या कोई इसका मोल नहीं आप लगा सकते, इतनी बढ़िया सीरीज इस बार होने वाली है। पवन जी आपसे जानना चाहेंगे, नया सीज़न आ रहा है AECL का और अब तक काफ़ी सक्सेसफुल रहे, हमने जो 3 सीज़न देखे हैं, 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे आप देखते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। जितना जैसे पहले के जो 3 सीज़न है वो काफ़ी सक्सेसफुल गए जी, और अब जो AECL जो 4 है, जो लेटेस्ट सीज़न है, ये पहले से ज़्यादा मेच्योर होता जा रहा है, पहले से ज़्यादा ग्रो हो रहा है, पहले से ज़्यादा बड़ा हो रहा है, और पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो खास तौर पे जो दिल्ली के जो लोग हैं, जो इवेंट एजेंसी हैं, बैंक्वेट हॉल हैं, आर्टिस्ट हैं, सब लोग मिलके अपने अपनी स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, अपने टाइट शेड्यूल में से अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आ रहे हैं, खेल रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत एंटरटेनिंग है। ये लगभग 8 तारीख से शुरू होगा और 15 तारीख तक जाएगा, बहुत ही कह सकते हैं कि ये तमाम बड़े सेलिब्रिटीज़ इसमें हिस्सा लेंगे, तो किस तरीके से तैयारियां की गई हैं इस बार? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि पहले 3 सीज़न बहुत वंडरफुल गए, ये चौथा सीज़न है, और कोविड के बाद से लोग काफ़ी कुछ देख चुके हैं और अब इस सीज़न की तरफ बहुत एक फेस्टिवल मूड से देख रहे हैं, और मुझे लगता है ये सारी इवेंट इंडस्ट्री के जितने भी जी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इसमें सहयोग देते हैं, वो आर्टिस्ट हैं, वेंडर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, वो सब के सब एक साथ एक जगह आके इस इवेंट इंडस्ट्री के पूरे प्लेटफॉर्म को एक फेस्टिवल मोड में, एक फेस्टिवल जोन में लेके आ रहे हैं, और सब बहुत एक्साइटेड हैं और सब इसमें अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं और इसको प्रमोट कर रहे हैं। मिलिंद जी आपसे जानना चाहूँगा, क्रिकेट आप खेलते थे बचपन से, क्रिकेट की आप अपने क्रिकेट के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए। क्रिकेट
मैं मेरा बचपन ये बैट बॉल में कम और ये पियानो से कैसी में ज़्यादा बीता है, तो इसलिए मुझे मेरा हार्ट टाइट ही है क्रिकेट में। बट या मैं ठीक ठाक रन मार लेता हूँ। मैं अभी ये दो तीन मैच मेरे प्रैक्टिस मैच हुए हैं जी, एंड जो हमने टीम बनाई है, मेरे साथ जीतू भाई हैं और राना से सेठी पाजी हैं, सुनील सेठी पाजी हैं ABN से, तो हम सब ने जो टीम बनाई है उसमें काफ़ी सारे अच्छे प्लेयर्स भी हैं और काफ़ी सारे मेरे जैसे वो तुक्के वाले प्लेयर्स भी हैं, जो जिसको छोटी बॉल है तो वो छक्का मार देता है फास्ट बॉल नहीं खेल पाता। तो या वो इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यार ये जैसे अमित भाई कह रहे थे कि ये सबको एक छत के नीचे लाना ना इस टाइम के लिए बड़ा मुश्किल होता है। मतलब आप अगर तो आप दिवाली सीजन में भी देखो तो हर एक का एक अलग कैंप है, हर एक का एक अलग ग्रुप है। बिल्कुल। बट दिस ACL सीजन ब्रिंग्स एवरी आर्टिस्ट, एवरी पर्सन फ्रॉम इवेंट लाइन, आर इंडस्ट्री, दिल्ली इंडस्ट्री अंडर वन रूफ, वेयर वी कैन शेयर प्लेंटी ऑफ इमोशंस, वेयर वी कैन शेयर मतलब जो सारे साल की जो सिनॉप्सिस होती है वो निकल जाती है, आने वाले सीजन की तैयारी हो जाती है, देन क्रिकेट तो होता ही है और मौज मस्ती होती है। तो बढ़िया यार, मतलब कर रहा हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, चौके छक्के मारने की, देखते हैं। आपको बता दें कि 2 तारीख को जो जर्सी लॉन्च होनी है और साथ ही ट्रॉफी का भी लॉन्च होना है, और उसके बाद 7 तारीख को एक मैच भी होना है, एक फ्रेंडली मैच होगा सेलिब्रिटीज़ के बीच में, खासतौर पर बच्चों के लिए एक तरह से प्रमोट किया जाएगा, जो ब्लाइंड बच्चे हैं, गर्ल्स को इस बार कह सकते हैं सपोर्ट किया जा रहा है, उस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसमें सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं आशीष माथुर भाई को करने वाला हूँ नावा से। बहुत अच्छी सोच है और हमेशा मेरे मन में भी यही था कि कुछ ना कुछ करें तो कुछ चैरिटी के लिए करें। व्हाट बेस्ट देन फॉर द गर्ल्स यार, मतलब हमारे घर में भी माताएं बहनें हैं एंड सारा साल ही सारी उम्र ही उनके लिए हम सर्व करते रहते हैं, आप भी सारे ऑब्वियसली सारे, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है टू पे स्मॉल टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, स्मॉल टोकन ऑफ लव फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम दिल्ली इवेंट इंडस्ट्री। तो यार आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत खास ये इनिशिएटिव है, खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक तरह से एक फ्रेंडली मैच हो रहा है, और उसके बाद क्रिकेट और हम देखते हैं आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज़ जब एक साथ आ जाते हैं तो लोगों का जो एंटरटेनमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस बार एक नया सीज़न लेकर आ रहे हैं आप, कैसे आप देखते हैं? सबसे तो पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि हमें से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, जैसे मिलन भाई को खेलने का शौक़ है जी, मेरे को और जदानी भाई को खेलने की बजाय लोगों को जोड़ने का शौक़ है। यहाँ जो पर्पज़ है वो ये है कि हर बंदा अपने टाइट शेड्यूल में से बाहर आए और हम एक ही इंडस्ट्री के लोग हैं, एक प्लेटफार्म हो जहाँ पर हम एक दूसरे से मिलें, जैसे भाई साहब को मिले काफ़ी टाइम हो गए, मिलन भाई नहीं मिल पाते, अपने शोज में बिजी रहते हैं, भाई साहब अपने बैंकों में बिजी रहते हैं, तो ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम एक दूसरे से मिल पाते हैं, एक दूसरे से और ज़्यादा क्लोज हो पाते हैं। वही आपसे जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही बिजी शेड्यूल है मिलन जी का, आप सभी का, आप अपने अपने फील्ड्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में एक साथ सभी क्रिकेटर्स और साथ में सेलिब्रिटीज़ एक साथ जब क्रिकेट खेले, क्योंकि क्रिकेट कहा जाता है दिलों को जोड़ता है, लोग एक साथ आते हैं और साथ ही एक बड़े पर्पज़ के लिए भी हो रहा है, बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, ऑडियंस भी देखेगी, उसके लिए आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए इंडिया में वी ऑल नो कि क्रिकेट को किस तरह से एक फेस्टिवल और एक सब एक अलग जोन में रहते हैं जब भी किसी भी तरीके का क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, और बचपन से हम गली में नुक्कड़ में क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। आज भी हम कहीं से निकलते हैं कि क्रिकेट मैच चल रहा होगा तो हम ज़रूर रुक के देख लेंगे एक बार, या अपने फेवरेट बॉलर का एक्शन करेंगे। सो इवेंट इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमने इस क्रिकेट को, आशीष माथुर ने जो प्लान लिखा है, कॉन्सेप्ट लिखा है, ये इतना 3 सीज़न में हिट हुआ और 4th सीज़न में आके उसको और बड़ा करने जा रहे हैं। सबसे जो मेजर एस्पेक्ट मुझे लगता है ये एक नेटवर्किंग बनाता है, जो कि पहले तो दिल्ली से और अब ये अलग अलग सिटी से लोग आ रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं, अलग अलग वेंडर्स आ रहे हैं जो इससे जुड़ना चाहते हैं और इससे बेनिफिट्स भी लेना चाहते हैं। बेनिफिट्स इन अ वे कि आपस में जितना नेटवर्क करेंगे आप, क्योंकि एक इवेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी भी नहीं है, एक लिमिट इंडस्ट्री है और ये वन ऑफ दी रिनॉन इंडस्ट्री है, जैसे एक बॉलीवुड अपने आप में रिनॉन है, एक इवन इंडस्ट्री अपने आप में एक रिनॉन इंडस्ट्री है, तो लोग इसकी तरफ ज़रूर देख रहे हैं। लोग जो इसमें नहीं पार्ट भी ले पाएंगे वो किसी ना किसी तरीके से इसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़ना चाहेंगे। आशीष माथुर जी 4th सीज़न लेकर के आ रहे हैं, आप अपनी टीम को लेकर कितना श्योर हैं, क्योंकि 16 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं, कितने आप अपनी उम्मीद के किस उम्मीद के साथ उतर रहे हैं कि बहुत बेटर परफॉर्मेंस आएगा इस बार? मैं अपनी टीम को लेकर बहुत श्योर हूँ, परफॉर्म अच्छा करें ना करें सबका मन लगा के रखेंगे। अभी यार मैंने फील्ड पे 2 दिन पहले भाग के देखा
ब्रो बहुत मतलब सांसें चढ़ जाती हैं यार, हम तो सारी ज़िंदगी स्टेज पे परफॉर्म करते हैं या बट फील वाला फील ना वो बहुत अलग है यार। मतलब ऐसा भागना पड़ता है और बॉल के पीछे और इतना सारा फैट लॉस होता है, कैलोरीज लॉस होती हैं, बड़ा मज़ा भी आता है खेलने का, क्योंकि जिनके साथ हम यू नो काम को करते आए हैं, जैसे भाई भी हैं अपने अपने फील्ड में एक्सेलेंस है, उनका भी फील्ड में एक्सेलेंस है, इनका भी फील्ड में एक्सेलेंस है। We have never saw each other playing actually. ज़्यादा से ज़्यादा वो दिवाली पर वो कार्ड पार्टी होती है और क्या होती है, that's all. We never saw each other playing on field, physically playing on field. तो ये अपने आप में बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि हर एक को देखना कि कैसा खेलता है बंदा और कैसा नहीं खेलता, कि वो आर्टिस्ट तो अच्छा है ही, चौके चक्के मार लेता है, खेल लेता है, कितना भाग लेता है, कितना स्टैमिना दिस एंड दैट, वो तो इट्स वेरी चैलेंजिंग बट इट्स वेरी एडवेंचरस, बहुत एक्साइटिंग है। क्योंकि फोर्थ सीजन आ रहा है, कोई खास गाने से आप अगर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको AECL क्योंकि फोर्थ लॉन्च आ रहा है, कोई खास गाना आप इसके लिए तैयार है अपने? आई थिंक मेरे यार दोस्त ही खेल रहे हैं सारे, सारे मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, सबके सबका मैं लाडला हूँ, सबका मैं भाई हूँ। तो ले लो पैसा ते ले लो प्यार मैनू मेरे यार मोड़ दो, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ AECL के आप बता रहे थे कि अब चौथा सीज़न हो रहा है मिलिंद काबा, हमारे साथ जुड़े थे तमाम बड़े जो हैं स्पॉन्सर्स जो हैं इवेंट्स के जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि पूरी तैयारियां कर ली गई है, चौथा सीज़न जो है आपको 8 तारीख से देखने को मिलेगा, 7 तारीख को फ्रेंडली मैच वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो तमाम आप तैयारी कर लीजिए, आप सबका एंटरटेनमेंट जो है आगे ये तमाम सेलिब्रिटीज़ जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो क्रिकेट के ज़रिए आपका करने वाले हैं। ABP लाइव के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।